गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी जूनियर 3, 4, 5 के लिए तो अभी ग्रामर चल रहा है, तो इसको ट्रांसलेशन, ग्रामर, इसके जो तरीका होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, ये अभी तुम सीख रहे हो। क्योंकि जब ये सीखोगे तो तुम्हारे लिखने और बोलने में पूरी तरक्की हो जाएगी। तो चलो, अभी तक हम लोग कर रहे थे मैं, तुम, वह से हुआ, अब होगा हम लोग। हम लोग खा रहे हैं, अब इसका क्या होगा? हम लोग का वी, और इसके साथ आर आएगा। क्या आएगा? आर। जब हम लोग के साथ क्या आएगा? वी आर ईटिंग। कोई दिक्कत? हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा? वी आर स्टडिंग। हम लोग कूद रहे हैं, क्या होगा? वी आर जंपिंग। कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अब देखो, तुम लोग खा रहे हो, माने चार पांच आदमी बैठ कर तुम लोग खा रहे हो, और मम्मी आती है, तुम लोग खा रहे हो, तो क्या होगा? देखो, तुम का और तुम लोग का दोनों का यू होगा। समझ में आया? तुम और तुम लोग दोनों का क्या होगा? यू। तो क्या हो जाएगा? यू आर ईटिंग। तुम लोग खेल रहे हो। यू आर प्लेइंग। तुम लोग नाच रहे हो। यू आर डांसिंग। अब समझ में आए? ये तो बात हो गया। और मान लो कि तुम कोई खेल देखने गए, तो वे लोग खेल रहे हैं, तो वे लोग का क्या हो जाएगा? दे। तो क्या हो जाएगा? दे आर प्लेइंग। वे लोग खा रहे हैं, दे आर ईटिंग। चलिए, समझ में आ गया? तो ये तो आसान है, क्योंकि सब में आर लग रहा है, इसलिए तीनों को एक साथ मैं दे रहा हूँ। अब इसमें तीनों से दस दस सेंटेंस बनाना है, ठीक है? हम लोग खा रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग कूद रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है? उसी तरह तुम लोग से बनाना, और बस दस दस सेंटेंस, 30 सेंटेंस होगा, तो इतना तो हो जाएगा। अब रहे हैं वाला चीज़ ख़त्म होगा, कल से हम लोग दूसरे ट्रांसलेशन पर चलेंगे, ठीक? इसके बाद एक कन्वर्जन है, वो बता रहे हैं। चलो, कन्वर्जन मैथ्स में देखा जाए तो दो कन्वर्जन तो तुम लोग सीख लिए हो। एक था दूरी नापने का, दूसरा था समय नापने का, उसमें कन्वर्ट करना। अब यह है वज़न नापने का, वेट नापने का। जैसे बाजार जाते हो अपने मम्मी पापा के साथ, तो वहाँ कोई सामान खरीदता है, भाई 1 किलो आलू दे दो, तो 1 किलो आलू का मतलब 1 किलोग्राम, ठीक है? तो जनरली हम लोग को 1 किलोग्राम, 1/2 किलोग्राम इसी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैथ्स में तो तुमको पढ़ना पड़ेगा पूरा। तो उसी तरह से है, जैसे पिछले वाला सीखे था ना, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीटर, अब यहाँ पर वही ग्राम आ जाएगा। मीटर के बदले क्या आ जाएगा? तो 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम, 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ये लिख के याद कर लेना होगा। और ज़रूरत तुमको क्या है? 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। हम लोग किलोग्राम नहीं बोलते, किलो खाली बोलते हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं कि किलोग्राम है, ठीक है? और आधा किलो खरीदते हो, मतलब 500 ग्राम बराबर 1/2 किलोग्राम, 1/2 किलोग्राम। इसको लिख के याद कर लोगे। अब टेबल लिख रहे हो ना, 10 से 20 तक टेबल पहाड़ा रोज लिखना है, वो पूरा चेक करेंगे। और होमवर्क बहुत कम बच्चा भेज रहे हो तुम लोग, सिर्फ 8 बच्चे, 3, 4, 5, 3 क्लास से सिर्फ 8 बच्चे या 9 बच्चे का होमवर्क आ रहा है। तो ये बना कर तो तुम्हें भेजना ही पड़ेगा। अगर मान लो तुम्हारे व्हाट्सएप नहीं है, तो बना के रखोगे, स्कूल खुलेगा जैसे, मैं मंगाऊंगा होमवर्क, ठीक है? समझ में? ठीक है, ओके।